जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पल आता है, हमें रियलाइज़ होता है कि लाइफ बहुत छोटी है। तो बस मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके होती हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ हमें जीना है, उनके सॉल्यूशंस निकालने हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुश रहना है और जितना पॉसिबल हो दूसरों को भी खुश रखना है, और हमेशा एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना है और पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो बस मैं जा रही थी मेरे किसी काम से और मैंने एक हादसा देखा, एक दुर्घटना देखी, तो उसी पल मैंने दीपक को बोला कि गाड़ी स्टॉप करो। उन्होंने बोला कि तू कहाँ जाएगी, यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी कहाँ रोकूँ मैं, पर मुझसे रोका नहीं गया। हालांकि उस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर सकती थी किसी के लिए, पर एक होता है ना कि नहीं कुछ हुआ है, गलत हुआ है, तो मैंने बस कैसे भी करके जिद करके गाड़ी रुकवाई। और रोड के उस साइड कुछ हुआ था, बीच में जाने का कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने देखा, मुझे बहुत धक्का लगा वो एक्सीडेंट देखकर कि एक लेडी को ऐसे लेटाया हुआ है और बहुत ही रैश ड्राइविंग कर रही थी। हादसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, बट जनरली हाईवे पर ऐसा हादसा होता है, और इस तरह से पलटी हुई गाड़ी एक नॉर्मल रोड पर जहां हम 20 या 30 की स्पीड से ज़्यादा अपनी कार नहीं ड्राइव कर सकते, उस रोड पे ऐसा हादसा देख के मेरी जो आत्मा है एकदम झुंझुड़ गई, और मुझे लगा लाइफ कितनी छोटी है। हमें नहीं मालूम अपने घर से सुबह नहा धोकर निकले ऑफिस के लिए अगले ही पल में क्या हो जाए। लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भाई ड्राइव करें, बट केयरफुल ड्राइव करें। इतने एक ऐसे रोड पर ऐसा हादसा देखना थोड़ा सा झिझोड़ देता है कि कितनी रैश ड्राइविंग होगी, कि जहाँ 20 से 30 की स्पीड में गाड़ी चलती है वहाँ ये गाड़ी बिल्कुल पलट गई, जहाँ टायर होने चाहिए वहाँ गाड़ी का सर है। और लकीली ये लेडी की जो किस्मत बहुत अच्छी थी कि इसने इसके पास जो गाड़ी थी वो एक ऐसी गाड़ी थी कि इसके एयरबैग खुल गए, तो उसकी वजह से इस लेडी की जो है जान बच गई। यहाँ आप लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ ड्राइव सेफली। जहाँ आप 5 मिनट जल्दी पहुँचेंगे, 5 मिनट लेट पहुँचने से ऐसा कोई काम में आफत नहीं आ जाएगी। अक्सर मैंने रोड पर उन लोगों को भागते हुए सबसे ज़्यादा देखा है जिन्हें घर पर जाकर बिस्तर पर आराम करना होता है। सो बाय बाय, टेक केयर।